हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं बायोलॉजी के वर्ड्स। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो इस वीडियो में बताएंगे आप लोग। ठीक, ये बायोलॉजी के वर्ड्स। ठीक, सबसे पहला है हिंदी अंग। ठीक है, ये हिंदी है और दाहिने साइड यानी लेफ्ट साइड हिंदी, राइट साइड इंग्लिश है। अंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑर्गेन कहते हैं, ORGAN, ऑर्गेन। ठीक है, और ऑर्गेन, ये ऑर्गेन इस तरह से होता है, और ऑर्गेन इस तरह से। ठीक है, तो ऑर्गेन ORGAN, ऑर्गेन मीन्स अंग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंजेस्टन। ठीक है, INGESTION, इंजेस्टन। ठीक है, या इंगेस्टन भी इसको पढ़ सकते हैं, इंगेस्टन, जी से गर्त, GES, इंजेस्टन। फिर नेक्स्ट है पाचन। पाचन तो डाइजेस्टन, DIGESTION, डाइजेस्टन मीन्स पाचन होता है। फिर नेक्स्ट है अवशोषण। अवशोषण को अब्सॉर्प्शन। ठीक है, ABSORPTION, अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एसिमिलेशन या एजिमिलेशन, ASIMILATION, तो एजिमिलेशन या एसिमिलेशन। फिर नेक्स्ट है पाचन तंत्र। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, DIGESTIVESYSTEM, डाइजेस्टिव सिस्टम। श्वसन तंत्र, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटोरी, रेस्पिरेटोरी, तो RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी सिस्टम, SYSTEM। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो सर्कुलेटरी सिस्टम, CIRCULATORY, ये स्पेलिंग है। फिर सिस्टम का स्पेलिंग हो जाएगा SYSTEM। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग है EXCRETORY। ठीक है, तो एक्सक्रेटोरी और सिस्टम का SYSTEM, सिस्टम। नेक्स्ट है जीव या व्यष्टि, तो इसका स्पेलिंग है ORGANISM और इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक का स्पेलिंग है NUCLEUS और इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट है चयनात्मक। ठीक है, यानी कि इसे सिलेक्ट, चयन मीन सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट से ये बना हुआ चयनात्मक, तो सिलेक्टिवली, इसका स्पेलिंग है SELECTIVELY, सिलेक्टिवली। फिर नेक्स्ट है पारगम्य, तो इसका स्पेलिंग है PERMEABLE, परमीएबल, इसको पढ़ेंगे परमीएबल और ये स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है झिल्ली, तो झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मेम्ब्रेन्स और इसका स्पेलिंग है MEMBRAN, मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन, समय होगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मीन्स झिल्ली। नेक्स्ट है सूक्ष्म दर्शी, स्पेलिंग है इसका MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म दर्शी। और एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप यानी दूरदर्शी। नेक्स्ट है अस्थूलन। ठीक है, अस्थूलन, तो इसका स्पेलिंग है THICKENINGS, तो थिकनिंग्स इसको पढ़ेंगे और इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट है पारभाषी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं ट्रांसल्यूसेंट और स्पेलिंग है TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट है चिपचिपा, तो इसका स्पेलिंग है VISCOUS, विस्कोज। ठीक है, नेक्स्ट है समांगी, तो समांगी का स्पेलिंग है यहाँ पे HOMOGENOUS, इसको पढ़ेंगे होमोजीनियस। नेक्स्ट है पदार्थ, इसका स्पेलिंग है MATER, मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ। नेक्स्ट है कोशिकांग। कोशिकांग यानी कोशिका का अंग। ठीक है, तो कोशिका को सेल कहा जाता है और कोशिका का अंग है तो अंग का ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म तो कोशिका का अंग, तो सेल ऑर्गेनेबल, ऑर्गेन, ऑर्गेन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है विषाणु, तो इसका है स्पेलिंग पहले VIRUS, वायरस। नेक्स्ट है जीवाणु या कीटाणु, दो है इसमें हिंदी, जीवाणु या कीटाणु, तो इसका स्पेलिंग है BACTERIA और इसको क्या पढ़ेंगे? तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिर जीवाणु,
तो इसको GERMS स्पेलिंग, और इसको पढ़ेंगे जॉर्म्स। फिर नेक्स्ट है अमीबा, AMOEBA, और ये अमीबा का अमीबा ही पढ़ते हैं लेकिन एमोइबा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एमोइबा। सो इस तरह से इस वीडियो का ये टॉपिक था वर्ड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक अगले वीडियो के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।